ये साधु अपना शौक पूरा करने के लिए अपने दलाल को हर रोज 10,000 रुपये देता था वेश्या लाने के लिए। तो जब ये धंधा कुछ करते नहीं तो इतना पैसा इनके पास कहाँ से आता है? इस पर आपकी खरी बात क्या है? हिंदुस्तान में चमत्कार को नमस्कार होता है जी। ये उसी का फायदा उठाते हैं, लोगों की अंधी श्रद्धा का फायदा उठाते हैं। एक एक साधु के पास इतने चेले हो जाते हैं, अगर एक एक रुपया दे तो भी करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। जी कुछ अज्ञान लोग, कुछ पढ़े लिखे भी, ऐसे नहीं कि अनपढ़ लोग इनके पास जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इनके शिष्य बनते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, इनको दान देते हैं बड़े बड़े। ये उसी का फायदा उठाते हैं, लोगों की अंधी श्रद्धा का फायदा उठाते हैं। अब एक आदमी ही आदमी को भगवान समझने लग जाए, इससे बड़ी अंधी श्रद्धा क्या हो सकती है? भगवान तो हर इंसान के अंदर बसता है, वो ना तो किसी मंदिर में, ना किसी गिरजाघर में, ना कहीं नहीं बसता। अगर सोचने की चीज़ है तो वो हर एक के अंदर बसता है। लेकिन ये अपने आप को इतना बड़ा बना लेते हैं, उस तो चमत्कार दिखा के हाथ की सफाई होती है, उससे ज़्यादा मैं मानता भी नहीं, उसका ये फायदा उठाते हैं और वो अपने आप को भगवान समझने लग कहने लग जाते हैं लोग इनको, उसी का ये फायदा उठाते हैं, लोग अपने दान देते हैं, इनका धंधा चल पड़ता है। ये एक बाजार बना रखा है इन्होंने, भगवान को ब्रांड बना के ये बेचते हैं और उसका ये फायदा उठाते हैं।